अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे साथ ऐसा मामला होगा जैसे भूखे दस्तरखान पे टूटते हैं। तो सहाबा इकराम परेशान हो गए। सहाबा इकराम कहते हैं वमिन किल्लत नहमु यौमइदिन या रसूल अल्लाह, कि हमारी तादाद उस दिन इतनी कम होगी, क्या हम 313 से भी कम रह जाएंगे, क्या होगा या रसूल अल्लाह, मुसलमानों के साथ क्या मामला होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, तुम उस दिन बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत उस झाग की सी होगी जो बहते हुए पानी के ऊपर होती है, और तुम्हारे अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी, और वो बीमारी क्या है, हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें इस दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, तुम्हें मौत से नफरत हो जाएगी, तुम सिर्फ अपने एग्जाम्स के बारे में सोचोगे कि मेरे एग्जाम्स कैसे अच्छे हो जाएंगे, कैसे मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, कैसे मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा मेरा कैरियर, आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे मेरी शादी होगी, मैं अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का जो जो मुस्तकबिल है कैसे सिक्योर करूंगा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा। तुम्हारी सोच सिर्फ यहां तक महदूद रह जाएगी, और मौत तुम्हें याद नहीं रहेगी, मरना तुम्हें याद नहीं रहेगा,